इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअसर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कोरोना अंदाजों से बड़ा चैलेंज, आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए अहम, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे, मौसर लॉकडाउन न हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। दुनिया किसी गलत फहमी में ना रहे, कोरोना वबा तवील मुद्दत तक मौजूद रहेगी, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 10,500 से बढ़ गई, वायरस से अब तक 224 अमवात हुई। कैसा लॉकडाउन, कौन सी समाजी दूरी, कई शहरों में पाबंदियां हवा, सड़कों पर रश, धड़ल्ले से मोटरसाइकिल पर डबल सवारी। इस्लामाबाद में ही हुकूमती रेड चैलेंज, कोरोना केस के बायस शाह लदित्ता सील, पीटीआई रहनुमा ने राशन तकसीम के लिए मजमा लगा लिया। हिफाजती इकदामात की खिलाफ वर्जी, पार्किंग का नामुनासिब इंतजाम, गुलशन इकबाल कराची में सुपर स्टोर को सील कर दिया। इस वक्त हमारे पास 2,934 एक्टिव केसेस हैं, पिछले 24 घंटों में 4 अफराद वफात पा गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में कायम की है। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस, वजीर आला का इजहार तशवीश, कराची यूनिवर्सिटी में यौमिया 800 टेस्ट करने वाली लैब कायम, सिंध में अफ्तार दस्तरखान, दावतों पर पाबंदी आए। जो सिंध हुकूमत की सियासत है वो बहुत ही अफसोसनाक है, जो बहुत सख्त लॉकडाउन करने वाली बातें करते थे जो सूबे, और जो नरम, डेटा नहीं दिखा रहा कि उनमें स्प्रेड का कोई फर्क है। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सिंध हुकूमत की सियासत अफसोसनाक, शहबाज गिल की तनकीद। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास प्रोग्राम में मेरिट अव्वलीन तरजीह, पहले मरहले का 80% काम मुकम्मल हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन मजीद सख्त, कई अजला में पाक फौज तायुनात करने का फैसला, खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 MPO के तहत जेल भेजा जाएगा। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन में 4 हफ्तों की तौसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी, दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। कोरोना की वबाई सूरत हाल, हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाए, अमीर जमात इस्लामी का मुतालिबा, डॉक्टर्स को खिराज तहसीन। बिना इजाजत दुकानें खोलने, लोगों को उकसाने का इल्जाम, कराची के ताजिर रहनुमा समेत 6 अफराद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, अदालत ने 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। टेक्सटाइल मास्क बरामद करने की मंजूरी, मगरबी ममालिक तजारती ऑर्डर दे रहे हैं, टेक्सटाइल सनत फायदा उठाए, मुशीर तजारत। खतरा इंसानों से नहीं वायरस से है, वबा की रोकथाम के बहाने जाबिराना इकदामात नाकाबिले कबूल, सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा कहते हैं हुकूमतों को जवाबदेह होना होगा। जर्मनी में इंसदादे कोरोना वैक्सीन तैयार, इंसानों पर तजुर्बात की मंजूरी, चांसलर एंजेला मर्केल ने वायरस को दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ा चैलेंज करार दे दिया। राय से इख्तलाफ क्यों किया, अमरीकी सदर ने वैक्सीन तैयार करने वाले इदारे के सरबराह को बरतरफ कर दिया। फिनलैंड में कोरोना से बचाव के इकदाम, सुपर स्टोर के दरवाजों पर बाजू और कोहनी से खोलने वाले खुसूसी हैंडल्स नस्ब। मुख्तलिफ तंदूरों पर
ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं, कम से कम एक रोटी से ही वो इस नेकी की टोकरी में डालें, ताकि इस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सके। अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से मदद कीजिए, किसी की भूख मिटे, सफेद पोशी का भरम भी रहे। सच टीवी की काविश, नेकी की टोकरी। अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। हमारे मुल्क के डॉक्टरों और नर्सों को सलाम भेजते हैं, घर में महफूज रहे, घर में रहें और अल्लाह से दुआ मांगे, रोजे रखें और सेफ रहे। कोरोना को हराना है, पाकिस्तान को बचाना है। करीब होने के लिए फासले बढ़ाने होंगे, महदूद रहें, महफूज रहें और अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। पहला रोजा कल होगा या हफ्ते को, रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए कराची में रोयते हलाल कमेटी का इजलास, चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान रोयत का ऐलान करेंगे। सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर शहरियों से करोड़ों रुपए हथियाए जाने का इंकशाफ, नौसर बाजों के अकाउंट कैसे बने, कई सवाल उठने लगे। आइंदा माली साल का बजट 5 जून तक पेश किए जाने का इम्कान, कौमी असेंबली का सेशन मई के पहले हफ्ते में तलब किया जाएगा। मुआशी माहौल से अच्छी खबर, आलमी बैंक का पाकिस्तान की इमदाद दुगनी करने पर गौर, आइंदा माह इजलास में मंजूरी का इम्कान। मुल्क की मईशत निसफ फीसद सुकड़ने का खदशा, आइंदा बरस शरह नमू 2% रहने का इम्कान, मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। आटा चीनी स्कैंडल इंक्वायरी, मालूमात कैसे लीक हुई, वजारत दाखला का आला सतह की तहकीकात का हुक्म, तहकीकाती रिपोर्ट मजबूत बनाने के लिए FBR से डेटा मांगा जिसका बुरा बनाया गया, मौतल एडिशनल डायरेक्टर का DGFIA को खत। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, 6 नई इंक्वायरीज की मंजूरी, मेडिकल इंचार्ज सिविल अस्पताल कराची के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई। मकबूजा वादी में बदतरीन कर्फ्यू के 263 रोज, भारत की रियासती दहशतगर्दी, कश्मीरियों पर बेईमाना तशद्दुद मामूल। कोरोना से मुतासिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुस्तकबिल क्या, ICC के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। और चीन में रंग बिरंगे फूल, हर सू कौसे कजा के रंग, गुलों की महक से फिजा मौत तक।